अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं मुल्तान पब्लिक स्कूल और कॉलेज की तरफ से आपकी उर्दू की मुअल्लिमा शाहिदा मलिक। बच्चों, आज हम अपनी उर्दू की किताब में से हरूफ तहज्जी के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा उनवान क्या है? हरूफ तहज्जी। आप हरूफ तहज्जी के बारे में जानते होंगे। जी हाँ, अलिफ बे पे यानी अलिफ से लेकर ये तक जो हरूफ होते हैं वो हरूफ तहज्जी कहलाते हैं। तो आज हम अपनी किताब पे सफ़ा नंबर 11 से 25 तक हरूफ तहज्जी और उसके ज़खीरे अल्फाज पढ़ेंगे। ज़खीरे अल्फाज मतलब मुख्तलिफ हरूफ से शुरू होने वाली जो अल्फाज होते हैं वो उन हरूफ के ज़खीरे अल्फाज होते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे दाल से। दाल दरवाज़ा, दाल दरख्त। दाल को लिखने का तरीका भी आप देखें, यहाँ पर आपने मुख्तलिफ नुक्तों को मिलाते हुए दाल की शक्ल बनानी है। उसके बाद डाल, डाल डोल, डाल डिब्बा। डाल को भी हमने दाल की तरह लिखना है, लेकिन इसके ऊपर हम एक टोपी बनाएंगे। इसी तरह नुक्तों को मिलाते हुए हम डाल की शक्ल मुकम्मल करेंगे और उसके बाद जो नीचे की लकीरें होंगी उनके ऊपर भी हमने डाल को बनाना होगा बगैर नुक्तों की मदद से। जी, आगे है जाल। जाल ज़खीरा। ज़खीरा का मतलब होता है जब हम बहुत सी चीज़ें जमा कर लेते हैं तो वो ज़खीरा कहलाता है। जाल के ऊपर एक नुक्ता होता है, इसको भी हमने नुक्तों को मिलाते हुए ही मुकम्मल करना है और फिर उसके बाद नीचे वाली लाइनों पर इसकी मशक करनी है। तो दाल डाल जाल, ये एक ही ख़ानदान के हरूफ हैं। जाल के बाद है रे। रे रिक्शा, रे रेल। रेल को आपने लाइन के ऊपर इस तरह से लिखना है नुक्तों को मिलाते हुए। जब आप अपनी ये मशक मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद नीचे वाली लाइनों पर भी हमने लिखने की मशक करनी होगी। रे के बाद रे। बच्चों, रे से लफ्ज़ कोई भी नहीं बनता बल्कि ये किसी भी लफ्ज़ के दरमियान या आखिर में इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ इस तस्वीर में आपको आड़ू नज़र आ रहा है तो अलिफ मद आ रे वाउडू, तो यहाँ पर रे दरमियान में इस्तेमाल हो रही है। और इसी तरह से पहाड़, पे हे अलिफ हा और रे, यहाँ पर रे को हमने आखिर में इस्तेमाल करना है। तो रे से लफ्ज़ कोई शुरू नहीं होता बल्कि ये दरमियान और आखिर में इस्तेमाल होता है। रे के ऊपर भी हमने छोटी सी टोपी बनानी होगी। जी, जी जंजीर, जे जर्दी। जे के ऊपर एक नुक्ता होगा, इसको भी हमने नुक्तों को मिलाते हुए लिखने की मशक करनी होगी और फिर नीचे वाली लकीरों पर हम इसको मज़ीद लिखने की मशक करेंगे। ये याला बारी। याला बारी, जब बारिश में आपने देखा होगा कि बर्फ़ के छोटे छोटे से ओले गिरते हैं तो उनको याला बारी बोलते हैं। इसके ऊपर हमने तीन नुक्ते लगाने हैं, रे डे ये। ये एक ही ख़ानदान के हरूफ हैं। उसके बाद इस सफ़े पर आप देखें, मैंने आपको समझाने के लिए बिल्ली और बत्ख को आपस में मिलाया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपने इस सफ़े पर एक तरफ जो तस्वीर है उनको दूसरी तरफ जो तस्वीर है उनको आपस में इस तरह से मिलाना है कि जिन दो तस्वीर के पहले हरूफ एक जैसे हों। जैसे बे बिल्ली, बे बत्ख, तो हमने बे वाली जो तस्वीर है उनको आपस में मिलाया है। आपने इसी तरह से नीचे जूते को देखें और इस लाइन में आप देखेंगे जग की तस्वीर आपको नज़र आ रही है। तो जग और जूता दोनों जीम से शुरू होते हैं, एक ही हर्फ से, उनको हमने आपस में मिलाना है। इसी तरह से पंखा और पत्ता, ये दोनों तस्वीर जो हैं वो पे से शुरू होती हैं, तो हमने पे से शुरू होने वाली तस्वीर को आपस में मिलाना होगा। इसी तरह से पंखे के नीचे डोल की तस्वीर है तो डोल और डिब्बा। जी बच्चों, डोल और डिब्बा डाल से शुरू होता है तो उनको हमने आपस में मिलाना होगा।
उसके बाद रे रिक्शा, रे रेल। ये दोनों तस्वीर भी रे से शुरू हो रही हैं, तो हमने इनको आपस में मिलाना होगा। सीन, सीन साइकिल, सीन सेब। बच्चों सीन के तीन सिरे बनाने हैं आपने, और उसको लाइन से थोड़ा नीचे गोलाई में लेकर जाएंगे, तो फिर सीन की शक्ल मुकम्मल होती है। आपने इसी तरह नुक्तों को मिलाते हुए मुकम्मल करना है, और फिर नीचे वाली लाइन पर आपने इसको लिखने की मजीद मश्क करनी है। शीन, शीन के ऊपर तीन नुक्ते हैं और इसके तीन सिरे बनाकर उसी तरह से हमने लाइन से नीचे लाकर इसको ऊपर लेके जाना है। तो सीन और शीन एक ही तरह से लिखते हैं, लेकिन शीन के ऊपर हमने तीन नुक्ते लगाने होंगे। स्वाद, स्वाद संदूक, स्वाद साबुन। स्वाद का पहले आपने इस तरह से सिरा गोलाई में बनाना है, और फिर सीन और शीन की तरह ही आपने उसको नीचे लेकर आना है। नुक्तों को मिलाते हुए इसकी मश्क करेंगे, और फिर नीचे खाली लकीर पर भी इसको लिखने की मश्क करनी है। ज्वाद, स्वाद की तरह ही ज्वाद को लिखा जाता है, इसके ऊपर एक नुक्ता लगाने से ये ज्वाद बन जाता है। ज्वाद ज़ईफ, ज़ईफ का मतलब बूढ़ा होता है। तो स्वाद और ज्वाद हम एक ही तरीके से लिखेंगे, ज्वाद के ऊपर हमने एक नुक्ता लगाना होगा। तोए, तोए तोता। तोए को देखिए आपने लिखने की मश्क कैसे करनी है, इसको लाइन से नीचे नहीं लेकर आना, बल्कि लाइन के ऊपर ही लिखना है आपने। जोए, जोए जरूफ, जरूफ का मतलब बर्तन होते हैं। तोए और जोए एक ही तरह से लिखेंगे, लेकिन जोए के ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे। आइन, ऐनक। आइन को भी देखें लाइन से नीचे लेकर आना है, नुक्तों को मिलाकर इसकी मश्क करनी है, और फिर नीचे वाली लकीर पर आपने इसको लिखने की मश्क करनी होगी। गाइन, गुब्बारा। आइन और गाइन एक ही तरह से लिखते हैं, लेकिन गाइन के ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे हम। फे, फे फवारा, फे फुटबॉल। फुटबॉल जिससे आप खेलते हैं, तो वो फे से शुरू होती है। बच्चों इसी तरह आप अपने इर्द गिर्द खेलने वाली चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द पड़ी होती हैं, उनको देखें और सोचें कि ये किस हर्फ से शुरू होती हैं। इस तरह भी आपकी मश्क मुकम्मल होगी, फे और आपके ज़खीरे अल्फाज में भी इजाफा होगा। तो फे, फे फवारा, फे फुटबॉल, फे का सिरा बनाते हुए इसको हमने लाइन के ऊपर ही लिखना है और एक नुक्ता लगाना है। कौफ, कौफ कलम, काफ कुरान मजीद। काफ को हम लाइन से थोड़ा नीचे लेकर आएंगे और इसके ऊपर दो नुक्ते लगाएंगे। फिर इस सफ़े पर देखें, एक तरफ आपको हरूफ नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपको तस्वीर नज़र आ रही है। अब आपने तस्वीर जिन हरूफ से शुरू होती हैं उनके साथ मिलाना होगा। जैसे मैंने स्वाद को संदूक से मिलाया है, सेब को सीन से मिलाया है, क्योंकि इनके पहले हरूफ सीन और स्वाद हैं, इसलिए। अब आप आगे देखें, आपको फवारा नज़र आ रहा होगा, तो फवारे का पहला हर्फ फे, तो फवारे को हम फे से मिलाएंगे। उसके बाद तोता है, तोता तोए से शुरू होता है, तो उसको हम तोए से मिलाएंगे। फिर गुब्बारा, गुब्बारा गाइन से शुरू होता है, तो उसे हम गाइन से मिलाएंगे। इस तरह हरूफ और तस्वीर को मिलाकर आपने ये सफ़ा मुकम्मल करना होगा। काफ, काफ किताब, काफ कंघी। काफ के ऊपर एक डंडा बनाएंगे और लाइन के ऊपर ही इसको लिखेंगे, इसको हमने लाइन से नीचे नहीं लेकर आना। गाफ, गाजर, गाफ गाय। गाफ के ऊपर दो डंडे होते हैं और काफ की तरह ही लिखी जाती है, लाइन से नीचे नहीं लिखना होगा हमने इसको।
लाम लट्टू, लाम लोटा। बच्चों लाम को आपने लाइन से नीचे लेकर आना है और फिर हमने उसको लाइन से थोड़ा ऊपर जाकर ख़त्म करना है। इस तरह से हमारी लाम के लिखने की मशक मुकम्मल होगी। मीम मुर्गी, मीम मेंढक। मीम का भी सिरा बनाकर हम लाइन से थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे। नून नलका, नून नाशपाती। नून को भी हमने लाइन से थोड़ा नीचे लिखना होगा और इसके अंदर एक नुक्ता डालना होगा। वाव वर्दी, वर्दी का मतलब यूनिफॉर्म जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं उसको उर्दू में वर्दी कहते हैं। वाव को भी लाइन से आपने थोड़ा नीचे लिखना होगा। नुक्तों को मिलाकर मश्क मुकम्मल करने के बाद नीचे वाली लकीरों लाइनों पर भी आपने इसकी मश्क करनी होगी। हे हाथी, हमजा से कोई लफ्ज़ नहीं बनता। और आखिर में छोटी ये और बड़ी ये। छोटी ये को बच्चों हम लाइन से नीचे लाएंगे और बड़ी ये को हमने लाइन के ऊपर ही लिखना होगा। ये यक्का, बच्चों इस सफ़े पर आप देखिए आपको एक तस्वीर के सामने तीन तीन हरूफ दिए गए हैं, उसमें से आपने दुरुस्त हर्फ का इंतखाब करना होगा। जैसे कंघी, कंघी के सामने आपको काफ गाफ और नून लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब आपने बताना होगा कि कंघी किस हर्फ से शुरू होती है, तो जल्दी से बताएं। कंघी का जी, काफ की आवाज़ आ रही है तो हमने काफ के गिर्द दायरा लगाना होगा। उसके बाद लट्टू, लट्टू के सामने आपको लाम मीम और छोटी ये नज़र आ रहा है, लेकिन हमने जिस हर्फ से लट्टू शुरू होता है उस हर्फ के गिर्द दायरा लगाना है, तो लट्टू लाम से शुरू होता है, हमने लाम के गिर्द दायरा लगाना होगा। उसके बाद आपको नलका नज़र आ रहा है, हे वाओ और नून। अब आप मुझे जल्दी से बताएं कि हमने किस हर्फ के गिर्द दायरा लगाना है। जी नून के गिर्द। उसके बाद देखें गाजर, गाजर के सामने तीन हरूफ हैं, नून गाफ और छोटी ये, तो हम गाफ के गिर्द दायरा लगाएंगे। बिल्कुल ठीक बच्चों। अब है मेंढक, काफ मीम और बड़ी ये, तो मेंढक शुरू होगा मीम से, तो हम मीम के गिर्द दायरा लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा आज का सब ख़त्म होता है। आपने इन तमाम हरूफ के ज़ख़ीरा अल्फाज को याद करना है। इसके अलावा इन हरूफ से आप मज़ीद ज़ख़ीरा अल्फाज भी अपने इर्द गिर्द की चीज़ों में तलाश कर सकते हैं।